हेलो चिल्ड्रन, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक है आपका मेंटल मैथ्स। पेज नंबर 44 में आपकी मेंटल मैथ्स दी हुई है। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3, 4, जो कि पिक्चर पे शो कराए गए हैं। इसमें आपको क्वेश्चन को रीड करना है। उसके साइड में आपका ब्लॉक बने हुए हैं, उस ब्लॉक पे आपको प्लस करके आंसर लिखने हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं और 1 by 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रवि हैड 6 एप्पल्स, रूपाली गेव हिम 2 मोर एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स डिड रवि हैव नाउ। इस क्वेश्चन को अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। रीड एंड लिसन केयरफुली। मीन्स कि रवि के पास 6 एप्पल्स हैं और रूपाली ने उसे 2 मोर, मीन्स 2 एप्पल्स उसे और दे दिए। तो हाउ मैनी एप्पल्स डिड रवि हैव नाउ। अब रवि के पास टोटल कितने एप्पल्स हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले था पिक्चर में शो कराया गया 6 एप्पल्स हैं जो कि रवि के पास है, 2 उसे और मिल गए हैं। तो हम एप्पल्स को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो उसके पास थे। उसके बाद 2 से और मिले हैं, 1, 2। अब हम यहाँ ब्लॉक पे लिखा हुआ है 6, ऊपर 6 लिखा, उसके नीचे प्लस का साइन लगा के 2 लिखा हुआ है। तो अब हम काउंट करें तो हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 8। तो आप आंसर लिखेंगे इसमें 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ जंगल देयर आर 3 टाइगर्स एंड 2 एलिफेंट्स, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द जंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि एक जंगल में 3 टाइगर्स हैं जो कि पिक्चर में शो हो रहे हैं। 3 टाइगर्स हैं, 1, 2, 3, और उसके बाद 2 एलिफेंट्स भी हैं। ये 2 एलिफेंट्स हैं। तो अब बताना है आपको कि हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द जंगल, मीन्स कि जंगल में कितने एनिमल्स हैं। तो हाउ मैनी एनिमल्स, 5, काउंट करिए, 3 आपके टाइगर हैं, 2 एलिफेंट हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आपको इस तरह 5 करना लिखना है नीचे। 3 plus 2 = 5। क्वेश्चन नंबर, अब हम थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, आई हैव 5 चॉकलेट्स, मीन्स आपके पास 5 चॉकलेट है, मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं। माय सिस्टर हैज़ 3 चॉकलेट्स, मेरी सिस्टर ने मुझे 3 चॉकलेट्स, मीन्स मेरी सिस्टर के पास 3 चॉकलेट्स हैं। तो हाउ मैनी चॉकलेट्स डू वी हैव, अब बताना है कि हम दोनों के पास कितनी टोटल चॉकलेट्स हैं। तो ये हो गई 5, जो कि मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, और सिस्टर के पास 1, 2, 3। इसको आप काउंट करना है, 5, 6, 7, 8, ये 8 आपकी चॉकलेट्स हैं टोटल। तो आप ऊपर लिखेंगे पहले 5 plus 3 जो सिस्टर के पास थी, आप टोटल चॉकलेट्स लिख देंगे, नंबर ऑफ टोटल चॉकलेट्स 8। क्वेश्चन नंबर 4 में, देयर आर 4 बर्ड्स ऑन 1 ब्रांच एंड 3 बर्ड्स ऑन द अदर ब्रांच, तो हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर ऑन 2 ब्रांच। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक ब्रांच में 4 बर्ड्स हैं और जो अनदर ब्रांच है उस पे 3 बर्ड्स हैं। तो आपको टोटल बर्ड्स बतानी है दोनों ब्रांचों की काउंट करके। तो पहले में 4 है, तो 4 plus 3 = 7, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर 3 है, 4, 5, 6, 7, इस तरह से टोटल बर्ड्स आपकी हो गई 7। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है।
इस तरह से आपका पेज नंबर 44 के मेंटल मैथ्स कंप्लीट होती है। डू दिस एक्सरसाइज इन योर मैथ्स बुक। ओके क्लास, थैंक यू।